बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सब के बच्चों को से ज़िंदगी और सलामती अता कर दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे, दीन पे चलने वाला बना दे, दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे दे, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे दे, जो मरीज़ हैं उनको शिफा दे दे। अल्लाह पाक हम तमाम इंसानों और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब कर दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी खदीजा को स्कूल लेने जा रही हूँ और काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही हूँ, और यू नो जब इंसान तेज़ तेज़ चलता है तो काफ़ी सांस फूल जाती है। अहमद भी अभी पीछे आ जाएगा इंशाल्लाह। अहमद प्लीज़ खदीजा को नीचे उतार दो बेटा, उतार दो नीचे। Teacher said that she hasn't eaten a lot, so I'm gonna give her M&M's ice cream. Well, Smarties ice cream. वो कहते हैं ना इंशाल्लाह, मुझे पता है कि कोई नहीं है जाता, अल्लाह पाक खैरियत गुजारे। वैसे ही है बच्चे आजकल हुए में। ओ मेरा बेबी, मेरी जान, मम्मी की। चलो शुक्र है खदीजा खुश है स्कूल के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। You don't like snow, Khadija ji? No, she loves snow. But it's freeze me. I don't like snow. It freeze me, not snow. Okay. Oh, Khadija, you wear that? अभी अहमद स्पाई कर रहा है यहाँ से कमरे की, और सुमान ने थोड़ी सी बहुत नीचे से किया और मैंने सारे कमरे ऊपर साफ किए हैं। अहमद को बोला हुवर मारने के लिए। खदीजा जी यू नीड टू कम अवे हियर। खदीजा जी यू नीड होमवर्क टाइम। मोहम्मद आदम जी बेटा होमवर्क करवा दो ना खदीजा को प्लीज। होमवर्क करवा दो बेटा। वेल डन अहमद जी। आदम अहमद। जी मेरी जान, ओ मेरी जानी है ना ये तो। ये माशाल्लाह सब मिलके काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा रूम है माशाल्लाह, तो जो है तो हल्की सी लाइट जलाई हुई है, वो देखें बिल्कुल दिल कर रहा है कि बस हल्की सी लाइट जला के दरवाजे बंद कर दूँ। दैट्स रिलैक्स। Khadija, did you finish your ice cream? Yes. And that is one as well? Nope. He did not eat ice cream. Just say bro. I'm gonna give it to job. Ahmed ji, please finish your job, please, Ahmed. Okay. अहमद को बोला अपना काम कंप्लीट करो, और अभी आप देखेंगे मुझे सहन की सफाई करते हुए। और मोहम्मद आदम को बोला मैंने कहा जस्ट आराम करो, क्योंकि आराम बहुत ज़रूरी है मोहम्मद आदम के लिए। अभी यहाँ पर मेरे हो रही है सहन की क्लीनिंग, और ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। उस्मान एक्चुअली स्टार्ट हुए हुए थे, घबराए हुए थे, कहते हैं ये सारा क्लीन करना है, क्योंकि किचन का सामान सारा यहाँ बाहर पड़ा हुआ था, और जो हमारी सारी शॉपिंग थी वो भी सारी यहीं पे हम लोग रख रहे थे और उठा उठा के फेंक रहे थे, क्योंकि एवरी वीक आते हैं और आके बिन लेके जाते हैं, तो ये काफ़ी अरसे से सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था। और किचन का भी काम हुआ है, और सर्दी भी है, आप सबको पता ही है, दिल ही नहीं करता कि बाहर निकल के कोई बंदा काम करे, लेकिन आज फिर मुझे भी करना पड़ा। उस्मान को देखा तो मैंने कहा नहीं ये मैं काम खुद ही करूँगी। उस्मान तो बिल्कुल ब्रश हिला ही नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने ये सारी क्लीनिंग की। अभी बहुत सारी अभी भी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
40 पाउंड की थोड़ी सी फिश। उस्मान 1 केजी दे दें, 1 केजी दे दें प्लीज। अभी 1 केजी ले लेते हैं ना। 1 केजी भी ले सकते हो ना, क्योंकि मेरे हेड नहीं दिएगा प्लीज, हेड उससे नीचे नीचे दिएगा। आई डोंट नो, यही है ना लव। ये लिए वाली एक ब्रिटिश मैकरल है और इंडियन मैकरल। मुझे खुद भी नहीं पता, ये भी सारी फिश है। अच्छा 20 पाउंड के जी, ये अच्छी है। 20 के जी, किलो 9 पाउंड, 9 पाउंड के जी, 241 किलो। इतना वो नहीं है ना, तजर्बा नहीं है लेने का। बिल्कुल ताज़ी समुंदर से निकली हुई ये फिश है। और मैंने कहा उस्मान को, कल मैं किसी प्रोग्राम में सुन रही थी कि जितनी हो सके फिश खाएं, जितनी ज़्यादा हो सके। डाल दे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर चली भी गई थोड़ी सी एक्स्ट्रा पीसेस। सुभान अल्लाह, मेरे रब ने, मेरे अल्लाह पाक ने क्या क्या कुछ नहीं हमें नवाजा, क्या क्या कुछ नहीं दिया। सुभान अल्लाह, अच्छा आप इस तरह कर, आप इस तरह करें, इसको काटेंगे ना, साफ करके देंगे। 3 ये भी दे दें, ये ठीक है, ज़्यादा बेहतर है ना। 3 ये भी दे दें, चलें ये हो गया, 3 ये हो गई, माशाल्लाह अल्लाह मुबारक। अभी ये एक बड़ी ली है और यहाँ से एक ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 वो ले ली है। अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सामान आ गया यहाँ पे है ना। शार्क लग रही है, शार्क है ये, शार्क है ये, बेबी शार्क है। ओह माय गॉड, ये क्या है, ये क्या है, आई नीड टू नो। उस्मान जी, उस्मान कैन यू प्लीज आस्क, इट लुक्स लाइक ब्रेन, ये क्या चीज है, ये ब्रेन है, दिस इज फिश रॉक, फिश एग, फिश एग, फिश रॉक, फिश रॉक, फिश रॉक, गोल्ड फिश। ओके, ये खाते हैं। हम फ्रीजिंग कोल्ड और खड़े हैं वेम्बली में, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे ये हबी हैं और मजबूरी में निकलना पड़ता है। किसको दिल करता है कि इंसान बाहर निकले एवरी डे। अभी कुरान के पास पेमेंट करनी थी तो जो है तो इधर गाड़ी आ रही है। इतनी तेज़ तो नहीं थी वैसे, निकल ही सकते थे उस्मान। अभी हम लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं और उस्मान ने रखी है चिकन और ये फिश लेके आए हैं आज, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दिल कर रहा था मेरा फिश खाने का, बहुत महंगी फिश है यहाँ पर। और 16 पाउंड के जी, 17 पाउंड के जी, हाँ किंग फिश। तो उस्मान ये कौन हाथ लगाएगा अभी, जो मेरा दिल जो नहीं कर रहा अभी, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखते हैं अभी, ट्राई करती हूँ इंशाल्लाह। तो बड़ा दिल कर रहा है मेरा फिश बनाने का, हांडी बनाने का। उस्मान कह रहे हैं फ्राई करो और मैं कह रही हूँ हांडी बनाऊँगी, लेकिन मैं हांडी तभी बनाऊँगी आप लोग अगर उसकी रेसिपी अपने घर पर बनाएंगे।
बहुत मज़े की मैं हांडी वाली बनाती हूँ फिश, बहुत मज़े की बनती है। इवन मेरी फैमिली में भी मशहूर है कि नादिया के हाथ की जो है वो फिश बहुत मज़े की होती है। ये देखो ये फ्राई के लिए है ना, ये फ्राई के लिए ताज़ी ताज़ी कह रहे हैं, बिल्कुल ताज़ी है तभी है ना। तो जाने दे जाने दे। 1 kg हो गई है उस्मान, उस्मान इसको आगे करे ना। सॉरी हाँ, ये जो है तो 2 थैलों में डालनी चाहिए ये उस्मान, ये और ज्यादा साफ नहीं करके देनी चाहिए थी ने। Yes, the shoot of the हड्डी is still there, the blood is there। हड्डी तो होती है ना। No, you can take it down। हड्डी तो होती है ना उसमें, आपने फ्राई करनी है, हड्डी तो होती है ना उसमें। देखो तुम बोलो तो मैं बोलूं तो चलो ठीक है। I feel like washing my hands now। ओके ओके जाएं जाएं। Alhamdulillah, the lovely missus just cleaned up all the fish. This is the kingfish. Don't know which fish that is. Nor do I know which fish this is. It is a fish. We just went to a fishmonger. Kingfish. Not all 3 are kingfish. No, one is kingfish. That's which I mentioned already. That one. Which I did already. This one, yeah. I know that one is the kingfish, which inshallah we're going to fry. And then you interrupted me. Yeah, alhamdulillah. Both mehnat se saaf hui hai. Sar bhi saath lage hue the. Sar bhi saaf kiya hai. Yeah. Sar utara hai. Saaf nahi kiya, utha ke phenka hai. Yeah, we threw the heads off. Looks like a horror movie, you watch the fish heads, you know. I don't know, never mind. So yeah, alhamdulillah, the fish are done. They went to fishmonger, but you know, the cleaning was not very great, to tell the truth. If they would have cleaned better, then the lovely missus would not need to clean up. But I don't know, maybe they knew, they don't know how to cut properly, you don't know. जितनी भी फिश थी सारी इनको कांटे निकाल के देने चाहिए थे। हम लोग पाकिस्तान में खाते थे, कांटे उनको साथ खाते थे फिश। Because they don't know how to cut the fish over there. Pakistan mein bhi nahi hoti. Yeah, but they don't know how to cut the fish. They just think just cut and that's it. उस्मान ये 2 डाल दो इसमें, 2 थालों में। Do whatever you want, your choice. ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी उस्मान बना रहे हैं चिकन टिक्का विद पपरिका, और उस्मान के बाजू जा रहे हैं अंदर। Oh dear, oh dear, I think it's overkill. जाने दें भाई, अभी हो जाएंगे। Oopsie daisy. Continue. वैसे तो मैं फ्राई करके डालती हूँ, आज थोड़ी लेजी हो रही हूँ मैं, आज मैंने कहा आज ऐसे ही जाने दो। कभी Because कभी I'm making it, you're not making it. वैसे थोड़ा सा हल्का सा स्टर फ्राई कर लेती हूँ ना, ये पर ये मिक्स कर, उसका टेस्ट ज्यादा डबल हो जाता है। कोई बात नहीं, ऊपर ही रहने दे, चिकन नीचे पापरिका ऊपर, ठीक है, दैट्स फाइन। कितना अच्छा कलर लगता है वैसे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये ग्रीन एंड रेड। Yes. माशाल्लाह पाकिस्तान एंड तुर्की। अच्छा हाँ, अच्छा फिर और बाकी नक्स क्या करना है, सैलरी बनाना है ये नहीं बनाना, मैं बहुत लेजी हुई हूँ आज। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ मोहम्मद आदम के लिए यखनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अभी रख दूँ, हल्की हल्की पकती रहेगी तो शाम तक जाके मेरे ख्याल में फिर भी तैयार होगी, क्योंकि मिट्टी के देखचे में थोड़ा टाइम लगता है। कोशिश करूँगी कि इसमें ही बनाऊँ, मिट्टी के बर्तन में ही बनाऊँ मैं, तो अभी यखनी बनेगी इसमें, और बस दालचीनी, मोटी इलायची, नमक, काली मिर्चें, लहसुन डालूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। माइट भी कुछ और चीज़ डाल दूँ अगर रजैन में आई तो, अदरक के 2 पीस तो बहुत ज़रूरी है अभी उसके लिए ये इंशाल्लाह। और उस्मान जी दें ज़रा, ये चिकन डाल देती हूँ मैं, ठीक है, डाल दूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसमें गार्लिक हमारे घर में खत्म हुआ, प्लीज जाकर गार्लिक तो लेके आए, अभी जा रहे हैं ना तो गार्लिक ले आइएगा, ठीक है। ओके उस्मान जी, डालें ना इसमें अब ब्लैक पेपर, दे में डाल, ओह दिस क्लोज, दो तीन डालना, ये 2-3, दैट्स इट, काली मिर्ची दे दे, ब्लैक पेपर हो गए, और ये
सिनेमन स्टिक हो गई, इसमें अभी गार्लिक जाएगा और गार्लिक नहीं है उस्मान जी. हाँ हाँ ये हल्की आंच पर होती रहेगी. ठीक है, मैं अब फिर जा रही हूँ इंशाल्लाह. और गार्लिक नहीं आएगा, गार्लिक डाल दूंगी इसमें फिर. मामा दादा इंशाल्लाह पिएगा तो इंशाल्लाह बेहतर होगी उसकी तबीयत इंशाल्लाह. अभी इसने पिंक हमालिया मिल जी जी, बस काफ़ी है क्योंकि दिखाइए कहाँ से सोल्ट आया. ये सोल्ट आया है पाकिस्तान से. पाकिस्तान से लेकिन बना कहाँ पे है? ओके, but packed in South Africa. Packed कह रही हूँ कहाँ पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में. चलें जी, हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह. ये होती रहेगी आपको. लहसुन इसमें जाना है, उस्मान लेके आएंगे लहसुन. और अभी ये एक पीस डाल रही हूँ अदरक का, और ये फ्रीज हुई भी थी तो एज इट इज डाल दिया. तो ये कुक होगी अच्छे तरीके से ना, तो Why did you not grate it or something? Someone grate it, जरूरत ही नहीं, यखनी बन रही है, इसकी खुद ही निकल आएगी. Okay, no problem. ये घंटा दो घंटा गलेगी ना. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. हो गया, done? If you say so. Yes. Alhamdulillah. ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी यखनी तैयार हो चुकी है. और ये चम्मच इस्तेमाल करूँगी मैं, ये जो भी मैंने पीछे ऑर्डर की थी जो ऑयल निकाल देती है. एक सेकंड, ये मुझे तरीका नहीं है इसको इस्तेमाल करने का. मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको. अब यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, इंशाल्लाह मामा आदम को दूंगी. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे. आमीन. अल्लाह हाफिज़.